NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. बीते मंगलवार को झारखंड के सरायकेला खरसवां जिले में मॉब किलिंग यानी कि भीड़ द्वारा पिटाई में की गई हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस के 2 अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक इस मामले में पुलिस को फिलहाल एक और शख्स की तलाश है जो मृतक तबरेज अंसारी की पिटाई करने में शामिल था। इससे पहले 17 जून को सरायकेला खरसवां में कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल चुराने के आरोप में 24 वर्षीय तबरेज अंसारी को पकड़ा था। बाद में खंभे से बांधकर 7 घंटे तक उसकी पिटाई की गई थी। साथ ही उस दौरान उसे जय श्री राम और जय हनुमान बोलने के लिए भी कहा गया था। मकसूद आलम खरसवां रहने वाले हैं और मेरा भतीजा खरसवां से टाटा के लिए आ रहा था। रास्ता में वो खरसवां से 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव है धटकीटी नाम का। वो रास्ता से शॉर्ट रास्ता है जमशेदपुर आने के लिए। उस रास्ता में कहीं चोरी वोरी हुआ था रात को, तो रात के समय में इन लोग पार हो रहा था तो इन लोग को पकड़ के तो पकड़ा गया है इसको शम्स तबरेज उर्फ सोनू को, और इसको खूब मारा गया। इसका सब 2 साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया। जब थाना इसको लेके आया थाना में, फिर मेरा बड़ा भाई गए उससे मिलने के लिए। जब पता चला थाना सरायकेला थाना में है तो मेरा बड़ा भाई गए, तो बड़ा भाई को जो है ना थाना प्रभारी लोग वहां पर भगाया। अभिनेश कुमार सिंह ये लोग बोला कि लाठी से मारे, बोला जल्दी भागो, यहां पर चोर का सिफारिश करने आए हो तुम, और जल्दी यहां से भागो नहीं तो लाठी से मार के तुमको भी अंदर कर देंगे। ऐसे धमका के भेजा गया, इसको भगाया गया और हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। और पेशेंट का हालत बहुत नाजुक था और इसमें हम लोग चाह रहे थे कि इसको बाहर हम लोग ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग को दिया नहीं गया। हम लोग अपील भी किए कि हम लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए दीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं दिया गया। और शाम को ही उसको उसी दिन उसको जेल उसको रेफर कर दिया गया, और जेल में भी उसका नाजुक हालत की वजह से वो बहुत बेचैनी था, लेकिन हम लोग से बातचीत नहीं हो पा रहा था। हम लोग बहुत मजबूर थे और वो भी बहुत मजबूर था, लेकिन कितना उधर से सह पाता। क्यों मारा गांव वाले लोगों ने? गांव वाला लोग उसको शक के बिना से जातिवाद देखा, कौन है नाम पूछा मुस्लिम, उसका वीडियो है हम लोग के सामने। वो मुस्लिम नाम से उसको मारा गया, जात का उल्लंघन किया गया, उसमें जय श्री राम जय हनुमान सब कुछ बुलवाया गया, और एक बार बोलो बोल के 3-4 बार बुलवाया गया, और उसको मुस्लिम का हिसाब से उसको मार पीट के इतना जख्मी कर दिया कि वो आज वो जान से हाथ धो दिए। आपका मांग क्या है? हमारा मांग वही कि गांव में जितना आदमी मारा है पूरा गांव का आदमी अरेस्ट होना चाहिए जो जो इसको मारा है। और इसमें सरायकेला के थाना प्रभारी और सरायकेला के जेलर और सरायकेला के डॉक्टर जेल में जो रहते हैं पीके दास की क्या है डॉक्टर का नाम उतना क्लियर मालूम नहीं है, वो लोग इसमें सब शामिल है। इसको साजिश के तहत मुस्लिम के वजह से इसको मार दिया गया साजिश के तहत, और इसमें हम लोग को कुछ भी बताया नहीं गया। घर का फैमिली मेंबर को किसी को कुछ खबर दिया नहीं गया। आज भी सुबह जब हॉस्पिटल में उसको लाया गया सदर हॉस्पिटल में, तो फैमिली मेंबर के हिसाब से किसी को फोन नहीं हुआ, किसी को कुछ खबर नहीं हुआ। और वो कल रात में ही लगता है कि वो दम तोड़ दिया था। हम लोग हालत देखने के हिसाब से उसका बॉडी के हिसाब से पता चलता है कि कल रात में। बाद में उन लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया था। फिर पुलिस ने उसे जिले के ही एक जेल में डाल दिया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसके बाद बीते शनिवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हां, आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल ला के भर्ती कराया गया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच करवाई, जहाँ से वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा, और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। इस दौरान अंसारी के परिवार वालों ने पुलिस और मामले के दूसरे संबंधित लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मृतक की बीवी ने कहा है कि मेरे ससुराल पक्ष में मेरा कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे न्याय चाहिए। मुस्लिम आदमी के नाते उनको बहुत बेरहमी से मारा गया, और मेरा कोई भी नहीं, मेरे सास भी नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है, मेरे देवर भी नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा सोहर ही मेरा सहारा था। किसके सहारे दिए हैं, उनको इंसाफ चाहिए।
वहीं झारखंड के एक मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग किलिंग की इन घटनाओं की राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सिंह के मुताबिक ऐसी घटनाओं को लेकर भाजपा राष्ट्रीय सेवक संघ और बजरंग दल के लोगों को जिम्मेदार ठहराने का भी चलन शुरू हो गया है, इससे भी बचा जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है, और उसके बाद जो धतकी टीका लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। हमको भी ऐसा मतलब कोमा मतलब डीपली कोमाटोज लगा, रिवर्सिबल कोमा लगा, तो हम इसको सोचे कि अभी किसी से निकाल के देख लेते हैं, कन्फर्म हो लेते हैं। परिजन चूंकि तैयार नहीं थे, कुछ हो गया है ये समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, हमने ईसीजी भी निकाला, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हमको रेफर कागज बना दीजिए, हेल्थ सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। तो ऑन रिक्वेस्ट बोलिए या प्रेशर बोलिए, हमने रिक्वेस्ट पे रेफरल। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।